पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर रहा है। सबसे जो कम तापमान है अनुगुल का 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, उसके बाद हिल स्टेशन में सिमलीगुड़ा में 9.04 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भुवनेश्वर का तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस और कटक का 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसके अलावा पारादीप में वेरी डेंस फोगी ऑब्जर्व की है, विजिबिलिटी 30 मीटर के साथ। उसके अलावा डेंस फोग अनुगुल पुरी में और एक जगह पे शैलो टू मॉडरेट फोग केंद्रपाड़ा में ऑब्जर्व की गई है। अगर बात करें तापमान की तो तापमान अभी भी जो है सामान्य के आसपास चल रहे हैं, और जो फिलहाल उड़ीसा के ऊपर तो कोई वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन उड़ीसा के आसपास की अगर बात करें तो जो अपर लेवल पे जो एक ट्रफ बनी हुई है जो 200 हेक्टोपास्कल पे, और लोअर लेवल पे जो वेस्ट बंगाल में एक एंटी साइक्लोन बैठा हुआ है, वो एंटी साइसर की वजह से क्या हो रहा है कि जो समुद्र से मॉइस्चर ला रहा है और जो दोनों ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर की इंटरेक्शन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है। तो आने वाले 2 दिन में हमारे ऊपर वेदर रहेगा, उसमें अगर बात करें तो डे वन यानी कि आज बारगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर इन डिस्ट्रिक्ट में लाइट रेनफॉल हो सकती है एक दो स्थानों पर। फिर 15 तारीख को यानी कल हमारा नॉर्थ उड़ीसा और साथ में सके नुआपाड़ा, बोलांगीर, बोध, सोनपुर इन डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा भी होने की संभावना है। उसके अलावा आपका 16-20 तक वेदर जो है ड्राई रहने की संभावना है। अगर बात डे वन में हम लोग ने अनुगुल, ढेंकना, नयागढ़, खुर्दा, कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर इन डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है, जिसमें कि एक दो स्थान पर डेंस फॉग होने की संभावना है। इसके लिए अगर बात टेम्परेचर फोरकास्ट की तो टेम्परेचर में अगले 4-5 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है।